गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ के मेरा शूट है और 2 बजे का कॉल टाइम है। मैं अभी निकली हूँ घर से, तो ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। चलिए मिलते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, आज ही मेरा शूट शूट स्टूडियो में, तो चलिए देखते हैं। पहुँच तो गए हैं, अभी हुआ है लंच ब्रेक, और क्योंकि मेरा तो खास समय कुछ खाऊंगी नहीं, तो खा रहता है बाद में भी 4-5 होते रहते सब। शुरू से यही बारे तो यही अच्छा लग रहा है, यही हाँ बराबर है। पिछली बार हम लोग आए थे तभी 9 नंबर में थे ना, आप यहाँ पे थे 10 नंबर में। यहाँ पे रेंज तो है कम से कम। दिल से दिल मिल गया, लो कर लो। कैसे हो, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं पहुँच गई हूँ अपने मेकअप रूम में। धूप इतनी थी, लाल लाल टमाटर तो नहीं लग रही, लेकिन हो गई हूँ। ये चार लोग एक रूम में है, धूप इतनी ज़्यादा है। चलो देखते हैं। मैं तो ये भगवान, बाहर निकल के फोन को बोलना पड़ जाता भाई रेंज थोड़ा सा आ जाओ। मतलब मैं शॉकिंग हूँ, उधर हम लोग मतलब कंटेनर में हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं लग रहा, नेट कैसे चल रहा है। मैं बाद में मुझे याद आएगा, अरे मैं सिटी स्टूडियो में हूँ, रामदेव में नहीं हूँ। हाँ लगता ही नहीं यार, यहाँ भी नहीं पकड़ेगा, बाहर पकड़ेगा मेरा, लेकिन यहाँ पे पकड़ रहा है। यहाँ मैं भर भर के वीडियो बना रही हूँ। क्या यार, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, इसके बच्चे होंगे, मतलब जब से जानते तब भी तो था तुम्हारा कि तुमने नहीं करनी है शादी। हाँ मैं पहले से डिसाइड किया मुझे नहीं करना, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत हम स्टार्टिंग ही किए थे, पता स्टार्टिंग किए थे हम लोग, पता ये हम लोग स्टार्ट सीरियल में। कितना मेरी हस्बैंड देख लो, पत्नी का मायका कोई नहीं संभालेगा। हेलो हेलो, हाय हाय हाय, क्या बात है। हेलो हेलो ब्यूटी, लुक टेस्ट ये क्या हो रहा भाई, बड़ा प्यार कर, क्यों नहीं आया। अच्छा ऐसा है, मिस कर रही हूं। और इन सब ने मुझे इतना दुखी करा, सब ने। ए भैया, ए भैया, मैं क्यों नाम बता। इन सब ने, दुनिया वालों ने, अरे बाप रे, ऐसा गौर से देखो इन लोगों को, नाम बता। हाँ इन लोगों ने मेरा दुखी किया, मेरा नाम नहीं, मैं बच गई, नाम नहीं पता भैया, तो फिर हो गया। हाँ तो भाई हम यहाँ बैठे टाइम पास कर रही हूँ, और उसमें मेरा जो लुक टेस्ट हुआ था, ब्लू साड़ी, हाय मैं नहीं थी ना इसलिए, है ना ऐसा, मैंने इसको परेशान ऐसा। किरण जी नहीं आए तो इन्होंने कहा किरण जी की क्या जरूरत है, हम लोग खुद काफी है, हम लोग काफी है। तो उस दिन जो गाइस मेरा लुक टेस्ट हुआ था, बहुत प्यारा प्यारा ब्लू साड़ी, हालांकि मैंने वीडियो तो भर भर के बनाए थे, तो लेकिन अब वो चेंज हो गया है मेरा, अब मैं वापस बेस्ट लुक में आ गई। और सीन वही है, सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, मेरा हेयर चेंज हो गया, और जो है अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो जो हम लोग पहले ओल्ड जो है मेकअप किया था, और उस तरह का जो ऐसा कॉस्ट्यूम था, तो उस तरह के अभी नहीं है, अभी प्योर वेस्टर्न लुक में आज, हालांकि डिफरेंट है, पूरा वेस्टर्न नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल वो साड़ी का नहीं है। मैं बहुत मिस करूँगी इस लुक को, मुझे बहुत प्यारा लगा था, और होप्स हो कि मैं फिर कभी उस लुक में आऊँ। तो यस, बैठे बैठे क्या करूँ, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। फेसबुक पे देखो, फेसबुक पे तो वो डालते हैं ना, ये मोहतरमा वो बस ये डालते हैं फोटो, हाँ तू पूरा स्पीच डालती है। मैं तो ये तो ब्लॉग बनाती है ना, मेरा ब्लॉग रहता है ना। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का, अमीना का नाम लेके मेरा नाम, ये अमीना है, इसका नाम लेके हम लोग अंताक्षरी शुरू कर रहे हैं। और समय
बिताने के लिए करना है मेकअप। दादा देखो मेकअप, दादा अभी लगे पड़े हमारे डियर का मेकअप करने का। आज मुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, दिख रहा है? फिलहाल हम लोग अभी मेकअप मेकअप का अंधड़ी खेलने वाले। फिर तो करेंगे किसका मेकअप अच्छा किया है दादा ने। हाँ सबका दिखाएंगे। दादा फंस जाएंगे हमारे जाल में, जाल में, जाल में। दादा पूरी नजर आपके तरफ है, ध्यान रखना। तो गाइस आज मेरा उपवास है, 9 दिन का मेरा फास्ट है और मैं शूट कर रही हूँ। और आते के साथ ही मुझे बहुत भूख लगी थी तो सॉरी मैंने खाने का वीडियो नहीं बनाया। तो मैं साबुदाना खिचड़ी लेके आई थी और खाई, छाँस पी। मेरे सारे फ्रेंड दे देख के हंस रहे कि मैं खाने के बाद क्या उपवास कर रही हूँ। नहीं मेरे पास तो नहीं आई है, मेरी आई है। आपके आई? आपके आई? आपके आई मैम? क्या चीज? फोटो? हाँ मैंने पता नहीं, सबको सबके व्हाट्सएप पे चेक कर लो। अच्छा ऐसा है, चलो। हमारी हर दीदी बहुत गुस्से में है अभी, बड़े से नोले पड़क रहे लेकिन हंस रही है, स्माइल कर रही है। चलो मैं फोन चेक करती हूँ, बाय बाय में बात करती हूँ। चुन 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 बाबू चुन 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 रात की चांदनी है तू अल्लाह यू चल ऑडियो। तो गाइस मेरी साड़ी वाले लुक चेंज हो गए हैं बिकॉज, लेकिन मैं इसमें बहुत चुन 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 लगने वाली हूँ। तो अभी देखते हैं तैयार होने के बाद। ज्यादा कंफ्यूज, क्या पूछने थे मैम? कितने कितने? चार, हम लोग चार है, चार है। मेरा लुक चेंज हो गया है, मैं चिन 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 बन गई हूँ। मैंने बोला था कि खाना खाने के बाद पानी लेके आना, लेकिन देखो पानी लाए। ये भी बना के डालो। चिन चिन चो चिन चिन चो नाम चिन चिन चो। चलो मैं जा रही हूँ हेयर करने। देखो हमारे यहाँ सुंदर सुंदर फ्रेंड मेकअप कर रही हैं। दादा बेचारे टेंशन बना हुआ है, दादा की टेंशन बना हुआ है। हाँ हमारी हेयर दीदी उनका भी टेंशन बना हुआ है क्योंकि अभी सबको अलग अलग लुक देना है, तैयार करना है। तो हेयर और दीदी के जो मामले हैं वो गर्म है, अभी टेंशन में है सब लोग क्योंकि एक बार सबका मेकअप हेयर हो गया तो हेयर दीदी का और मेकअप दादा का दिमाग शांत हो जाएगा और हम लोग का भी हो जाएगा। हम लोग फाइनली अपने अपने करेक्टर में रहेंगे। पहले हेयर मेकअप वाले को बजा दो। हेलो दादा, पतले हो गए मेकअप वाले? तो नहीं हो गए अभी अभी, बाल तो इधर से है ही नहीं है। तो डेली करते हो? अपने को स्ट्रेट करना है। मेरे पहचान के है मेरा रोड में, वो भी सुबह उठ के वो दाढ़ी बनाए ना बनाए लेकिन इधर उनको जरूर रेजर करना होता है। तो उधर से लगाओगी? हाँ मैंने कई बार देखा है, जरा भी उनको ना, मेरे सब जितने भी फ्रेंड है ना बिल्कुल भी उनको कुछ ऐसा जमता नहीं है। क्या बोलते है? बोलेंगे क्या, उनको पसंद नहीं आता है, व्यूज नहीं आते अच्छे। मैं अच्छे खासे वीडियो बनाती हूँ इसलिए। बाप रे, मुंह तो खुला तुम्हारा, वही बोले। किसका मुंह खुला? किसका मुंह खुला? क्या मुंह खुला? हसीनों का मेला। अरे वाह वाह, मेले में ये दिल अकेला। अरे ये गाना दादा के ऊपर सूट होता है, इतनी लेडीज के बीच में दादा अकेले हैं। दादा गाए तो समझ में आता है, हैं दादा? हैं दुनिया हसीनों का मेला, मेले लेकिन दादा यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं मिलेगा दोस्त। यहाँ पे ये नहीं लाइन बोल सकते। पानी के नीचे ऐसे ना रख दिया हूँ, क्या बता? क्या बात है दादा, देखो वाह वाह, थैंक यू दादा, थैंक यू। दादा का दिल ऐसा बोल रहा होगा, दुनिया का दुनिया हसीनों का मेला और मेले में ये दिल अकेला, लेकिन ये लाइन कि एक दोस्त ढूंढता हूँ दोस्ती के लिए वो नहीं बोल सकते, है कि नहीं दादा? दादा दादा है ना, है ना? आप ये बोल सकते हो क्या दोस्त? क्योंकि यहाँ पे तो अपने काम पे लेकर तू समझा तो सही से क्या बोलना है।
ये हमारे खुशी डालिंग है जो कि इनको मैंने अभी गाना सुनाया लग जा गले, तो इनका मूड थोड़ा ठीक हुआ है और ये हेयर इतना सुंदर बनाई है। वापस सुनो वापस। ओ माय गॉड, इनका कुछ आया हुआ है पार्सल जिसको जिसको देखने के लिए बेचैन हो रही है, लेकिन मेरी बालों ने बहुत बोर कर रखा है अब। हाँ परेशान, देखा गिरी हुई है परेशानियों से, ये मेरे बाल में परेशानियों से गिरी हुई है खुशी, जो कि खुशी अपनी जाहिर नहीं कर पा रही है, और इनका एक पार्सल आया देखने के लिए, तो लेकिन बहुत जल्दी ये खुशी मुझे देने वाली है। बहुत अच्छा सा बाल मेरा हो गया है और ये भागने वाली है मुझे लगता है। मुझे भी दिखा देना लेकिन अच्छा हमको दिखाना पहले।